Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing extremely well. So if you're new to my channel, hi, I'm Anushriya. I make videos on beauty and fitness. So if you're interested in such content, please consider subscribing to my channel. And now let's talk about today's video. So आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट की जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है फॉर ड्राई स्किन. सो रिसेंटली आई हैड पोस्टेड अबाउट दिस प्रोडक्ट इन माई इंस्टा स्टोरीज एंड आई गॉट फ्यू DM जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि दिस प्रोडक्ट ब्रोक देम आउट, उन्हें काफी ज्यादा एक्ने की इशू हो गई. सो दैट थिंग जस्ट मेड मी डू सम रिसर्च अबाउट दिस प्रोडक्ट. आई ऑल्सो स्पोक टू माई डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट. थोड़ा और डिटेल में उन्होंने मुझे बताया. आई ऑल्सो रेड सम रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स जहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताया हुआ था. सो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली मेक दिस वीडियो सो दैट आपको पता होना चाहिए इफ यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट. सो नॉर्मली क्या होता है, वी जस्ट सी इन्फ्लुएंसर्स यूजिंग समथिंग और हम उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग इफ इट्स गोइंग टू वर्क फॉर अस और नॉट. तो हर चीजें हमारी स्किन पे सूट नहीं करती क्योंकि हम सबकी स्किन टाइप अलग होती है, हम सबका स्किन का प्रॉब्लम, स्किन कंसर्न अलग होता है. सो दैट इज द रीजन वी शुडंट यूज रैंडम स्टफ्स ऑन आवर स्किन. जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एमोलिन और ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है. दिस इज स्पेशली फॉर ड्राई स्किन और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्रीम फॉर ड्राई स्किन और दिस इज द हाइड्रो नरिशर दैट रिस्टोर्स द नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस ऑफ योर स्किन. सो दिस इज वॉट इट हैज मेंशनड ऑन दिस पैकेज. सो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्रीम. सो आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्किन टाइप वालों को इसे यूज करना चाहिए और कौन से स्किन टाइप वालों को इसे अवॉइड करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रीम और उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट की. सो दिस इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड क्रीम जो कि स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट दिस इज अ हाइड्रो नरिशर दैट रिस्टोर्स द नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस ऑफ योर स्किन. मतलब ये आपके स्किन पे मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्लम्प इफेक्ट देता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिश करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. सो दैट इज वॉट इट डज. सो ये एक वाटर बेस्ड क्रीम है और ये आपको इजिली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा. इसकी जो प्राइस है दैट इज 250 rupees फॉर 100 grams ऑफ प्रोडक्ट और बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी जरूरत पड़ती है. मतलब ये एक ट्यूब आपको बहुत ही दिन चलने वाला है. एज यू कैन सी द ट्यूब का साइज इट्स टू बिग और ये बहुत ही दिन चलेगा बिकॉज आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है. सो अब बात करते हैं इसके टेक्सचर एंड फ्रेग्रेंस की. तो ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया हुआ है. और अगर टेक्सचर की बात करूं तो लेट मी जस्ट शो यू. सो इफ यू कैन सी ये बिल्कुल सेरम के टेक्सचर का ये प्रोडक्ट है और वाटर बेस्ड है ये. सो ये बिल्कुल सेमी लिक्विड टेक्सचर का प्रोडक्ट है और अगर मैं इसे आपको मैं मिक्स करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही ईजिली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शाइन भी दे रहा है क्योंकि ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है. तो आपकी स्किन जो है वो इमीडिएटली ग्लो करने लगती है, आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा प्लम्प इफेक्ट देता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि मेन कंसर्न है इस वीडियो को बनाने का. सो अगर मैं इसके पैकेजिंग में देखूं तो यहाँ पे बस दो इंग्रेडिएंट मेंशन है दैट इज प्रोपिलीन ग्लाइकोल और सेकंड जो इंग्रेडिएंट है दैट इज डायाजोल्डिनाइल यूरिया विच इज अ प्रिजर्वेटिव. सो इस पैकेज में बस दो ही इंग्रेडिएंट मेंशन है बट व्हेन आई वेंट थ्रू देयर साइट जो MSD की साइट है, यहाँ पे इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साइट पे जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में देखा सो वहाँ पे 19 इंग्रेडिएंट मेंशन थे और मैंने उन सारे इंग्रेडिएंट को अलग से सर्च किया गूगल पे और उन सारे इंग्रेडिएंट की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली. देन आई ऑल्सो वेंट थ्रू सम रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स कुछ वेबसाइट्स पे जहाँ पे इसके डिटेल जो इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कहीं पे, यू कैन जस्ट सी. सो जब मैंने उस वेबसाइट पे सारे इंग्रेडिएंट चेक करा तो आउट ऑफ दोज 19 इंग्रेडिएंट देर आर फ्यू इंग्रेडिएंट जो कि एक्ने कॉज कर सकते हैं. दोज आर कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट जैसे कि स्टेरिक एसिड है, देन इट हैज स्क्वेलिन एंड देन इट हैज एसिटाइल अल्कोहल
और भी कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि एक्ने कॉज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसका, और मैं वो इंग्रेडिएंट का जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट, आप भी गूगल करके चेक कर सकते हैं। सो ये जो कुछ इंग्रेडिएंट है वो एक्ने कॉज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ये रिएक्ट कर सकता है और आपको ब्रेकआउट हो सकता है। सो इफ यू हैव सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन देन आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज दिस प्रोडक्ट, आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। देर आर सो मेनी मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप बस किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के ये प्रोडक्ट खरीद के यूज करना ना शुरू करें। दोज हू हैव ड्राई स्किन, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करें। दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग क्रीम फॉर ड्राई स्किन पीपल। जो सेंसिटिव स्किन होती है या एक्ने प्रोन स्किन होती है उनके लिए अलग से मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज यू नो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं, आप उन मॉइस्चराइजर्स को चूज कर सकते हो। बट फॉर मी आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट फॉर सो लॉन्ग, लाइक पिछले 4-5 सालों से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही थी, बट रिसेंटली बिकॉज आई एम फेसिंग हॉर्मोनल एक्ने इशू और बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस मुझे यहाँ पर जॉ लाइन में बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, तो आई एम नॉट यूजिंग दिस वन, मैंने इसको बिल्कुल ही साइड रख दिया है। व्हेन आई विल हैव नॉर्मल स्किन अगेन आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। सो प्लीज जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो डू लिटिल रिसर्च, आपको सब कुछ आजकल गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर द प्रोडक्ट। सो गाइज दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड आई सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।